Hi, three things should be avoided if your menstrual cycle is going on. अगर आपके menstrual cycle शुरू होने वाले हैं तो आपने तीन चीज़ें avoid करनी हैं. एक तो रात को आपने heavy meals बिल्कुल भी नहीं लेने हैं. second चीज़ आपने दही जो है मतलब रात को नहीं लेना है. और जितने भी आपके फैटी आइटम्स हैं जितना भी वो आपने नहीं लेना है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको किसी भी तरीके की पेन किलर नहीं लेनी है. तो क्या करेंगे अगर आपको पेन्स होती हैं तो इसका मतलब आपको किसी गायनिक के पास जाना चाहिए. पेन होने का मतलब ये है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो अच्छे से नहीं आ रहे हैं. पहली चीज़ तो यह है कि आप किसी गायनिक के पास जाइए या आप किसी डाइटिशियन को भी हायर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए. और यहाँ पे पेन होने का और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होने का यही मतलब है कि आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सही से काम नहीं कर रहा है. तो और आपने उसके लिए आप गर्म बोतल से सिकाई कर सकते हैं अजवाइन और गुड़ की. मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी आपको शेयर कर दूँगी. आप उसकी बॉल्स बना के ले सकते हैं. और एक बात और कि लोग सोचते हैं कि चाय पीने से मतलब हमें रिलीफ मिलेगा क्योंकि वो हॉट वो है गर्म है होती है तो हमें भाई फ्लो अच्छा होने लग जाएगा. फ्लो होने के बजाय हम और ज़्यादा ब्लोटेड और बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इशू होने लग जाएंगे. ब्लोटेड फील करेंगे और डिहाइड्रेशन होगा. आपको पता ही होगा चाय कॉफ़ी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेट करती है. सो आप प्लीज़ हाइड्रेटेड रहिए. आप और जैसे अजवाइन की चाय पी सकते हैं. अजवाइन के पत्ते होते हैं आप पौधा लगा लीजिए उसकी चाय पीजिए देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है उससे. और आप अजवाइन और ब्लैक नमक जो आपने शुरू से देखा होगा पुराने टाइम से लोग लेते हैं आप वो ले सकते हैं यहाँ पर. तो और यहाँ पर हैवी मील्स ना लेने का रीज़न मैं आपको बताती हूँ. हमारी बॉडी जो है वो क्लिंजिंग मोड पर आ जाती है. हमारी बॉडी का क्लिंजिंग मोड जो है वो ऑन हो जाता है. लेकिन जब हम उसके अंदर हैवी मील्स डाल देते हैं तो हमारी बॉडी क्लिंजिंग मोड को छोड़ के हैवी मील्स को डाइजेस्ट करने पे लग जाती है. और यहाँ पे दही और पनीर की बात मैं अलग से क्यों बोली है कि दही और पनीर जो है फुल फैट मिल्क से बना होता है और वो बहुत हैवी मील्स की कैटेगरी में आता है. तो प्लीज़ आप डायरी प्रोडक्ट्स हो सकें सिर्फ आप रात को हल्दी वाला दूध ले सकते हैं और बाकी जितने भी डायरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अपनी डाइट से आप एक्सक्लूड कीजिए जब आपके पीरियड्स हो रहे होंगे. ये जितने भी पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आती हैं जो भी उसके बाद की जितने भी पीसीओएस पीसीओडी जो भी हमें होता है तो ये इसी की वजह से होता है क्योंकि हम डाइट का अपना ध्यान नहीं रखते. पीरियड्स के टाइम इतने हैवी मील्स दे देते हैं और सारा दिन तो हमारा पेन में चला जाता है. थोड़ा सा रिलीफ हमें नाइट में जाके मिलता है तो हम फिर हैवी मील्स लेते हैं. तो फिर जो ब्लड जो हमारी बॉडी जो काम कर रही होती है वो छोड़ के वो उस फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाती है. और फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पूरे तरीके से आपकी जो प्योरिफिकेशन है वो नहीं हो पाती. तो आप देखिए आप कितना बड़ा नुकसान अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं. कोशिश कीजिए कि 7 बजे के बाद तो पीरियड्स में तो स्पेशली 6 to 7 o'clock के बीच में जो खाना है खाइए. जो मतलब जैसे दलिया हो गया खिचड़ी हो गया या फुलका एक फुलका और साथ में सब्जी हो गई और आप मतलब सलाद हो गया ऐसी चीज़ें आप खाइए. लाइट होम फूड ही खाइए होम कुक फूड. तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे. तो इससे आपको पीसीओएस पीसीओडी जो होता है वो नहीं होगा अगर आप फॉलो करेंगे इन चीज़ों को इन मेरे टिप्स को. तो और आप पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आप बटरफ्लाई पोज होता है बैठ के पेल्विक उसमें हम बैठते हैं तो वो आप ज़रूर कीजिए. तो जितने भी ज़मीन पे बैठने वाले वर्कआउट्स हैं वो ज़रूर कीजिए. योगा के पोजेस वैसे उसको बोलते हैं हम योगा के पोस्चर हैं वो बहुत ज़्यादा एक चक्की वाला होता है. ये कुछ पोजेस हैं जो आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए. इससे आपका अगर PCOS नहीं है तो फ्यूचर में होगा नहीं. और अगर आपको PCOS PCOD की प्रॉब्लम है तो आप देखेंगा मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ कि विद इन 3 months आप बिना किसी डॉक्टर के बिना किसी चीज़ के अगर आप ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं डायरी प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट कीजिए हैवी मील्स को एलिमिनेट कीजिए अपनी डाइट से और मेडिसिन जो आप लेते हैं वो स्टॉप कीजिए और अपना नेचुरली अपनी जो पेन्स हैं उसको हील कीजिए. और मैंने आपको बताया है कि आप
पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस कीजिए तो विद इन 3 months 2 months में आपका PCOS और PCOD जो है वो रिवर्स हो जाएगा 100%। मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ को आपको। तो जब आपके पीरियड स्टार्ट होने लगे तो प्लीज़ एक दिन पहले से ही रात को ही आप हैवी मील्स, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि अब जो पीरियड्स हैं वो आने, क्योंकि बहुत सारे नुकसान हैं जो आप सोच भी नहीं सकते इन चीज़ों से होते हैं। फर्टिलिटी का इशू आता है, ब्रेस्ट में भी प्रॉब्लम आती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ होने के चांसेस। ऑब्वियसली जिसको PCOS है उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इम्बैलेंस होएगा ही होगा। तो सोचिए कितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं आपकी, थोड़ी सी अगर आप टिप्स को फॉलो करते हैं तो इन रिस्क फैक्टर्स से आप बच सकते हैं और अपनी लाइफ को हेल्दी इंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि बहुत जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं बच्चियों को और उतनी ही जल्दी जा रहे हैं, तो जल्दी ना जाएं और उसके लिए क्या करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं है। और भगवान की तरफ से हमको ये एक चीज़ मिली है कि हमारी बॉडी की क्लिंजिंग ऑटोमेटिकली खुद से हो जाती है, तो प्लीज़ उस चीज़ का आप फ़ायदा उठाइए, उसको बर्डन ना करके उसको रिलैक्सेशन मोड में लेके आइए और जितना हो सके। और ठंडी चीज़ें स्पेशली मैं यहाँ पे भूल गई इस पॉइंट को कि ठंडी चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं खानी हैं। ठंडी मेरा मतलब कोई भी चीज़ जो फ्रिज से और फ्रीज़र से निकल के आ रही है, और फ्रोज़न फूड भी आप, वो तो फैटी की कैटेगरी में आ गए तो आपको पता ही होगा, वो भी आप बिल्कुल भी, और पैकेट के जितने भी आइटम्स होते हैं वो भी आप नहीं कंज्यूम करेंगे। नमस्कार, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे एक्टिव, स्टे अलर्ट, स्प्रेड हैप्पीनेस, स्टे हैप्पी। थैंक यू।